वेलकम टू सपनों का रहस्य। हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर लगाम देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसके मुंह पे लगाम है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है वो उसका उपवास रखेगा या फिर वो बुरे कामों से तौबा करेगा, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सपना देखने वाला अपनी लाइफ जो है वो अपने धर्म के अंडर बिताएगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसकी लगाम टूटी है, जाय हुई है या ख़राब हुई है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला उस समय जिस स्टेज पर, जिस मुकाम पे खड़ा वो जो काम कर रहा है वो उससे गिरेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखे कि उसके हाथ में लगाम है और आगे किसी और व्यक्ति के मुंह पे उसने डाली हुई है, तो इसका मतलब यह है कि वो सपने के अंदर जिस व्यक्ति को लगाम डाले हुए देखता है वो व्यक्ति इसके अंडर वर्क करेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसके बेटे के मुंह में लगाम है और पकड़ी हुई बाप ने है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले के जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ अपने बाप के, अपने पिता के अंडर बिताएंगे। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसकी लगाम जो है वो टूटी है, तो इसका मतलब है कि लॉस होगा। सपने के अंदर लगाम का देखना 3 वजह पर होता है। नंबर 1, बुजुर्गी और अपने रुतबे से, अपने टाइम से गिरना। उपास रखना, अदब और दानाई की बातें करना। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखे कि वो लगाम बेचता है या सेल करता है या इसका बिजनेस करता है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला दूसरे व्यक्तियों को उनके काम बनाने में हेल्प करेगा, उनको मशवरे देगा और उनके बिगड़े हुए कामों को बनाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।